अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वारो लो नहीं बचाता। अच्छा एक ही देवता मतलब अल्लाह के लिए बोला जा रहा है, एक ही देवता है हमारे तो में हिंदू भी बहुत सारे देवता है, और नकटा हरो बेबी कम पर है तो दो चार और बना लो पर दो। हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है भाइयों का चैनल रिएक्शन बाबा में। मेरा नाम है राम। मेरा नाम है दीक्षा। तो गाइज आज हम जो वीडियो बनाने वाले बहुत इंटरेस्टिंग है, और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग इसका टॉपिक है अल्लाह के वजूद पर सवाल, बागेश्वर धाम शास्त्री और अल्लाह मुफ्ती सलमान अजहर बयान है ना। तो मुफ्ती भाई सलमान जो है अजहरी, इनको तो हर कोई जानता है, और बागेश्वर धाम सरकार के जो ये कथा, हाँ धीरेन शास्त्री जी, इनको भी मोस्टली सब लोग ही जानते हैं। तो इनको लेके कुछ बोला है उन्होंने कि अल्लाह के वजूद पर सवाल किया कि मतलब वजूद तो इन द सेंस आप लोगों को समझ ही सकते हो कि वो इस धरती पे है, जो है यहाँ पे उसका कोई एक वजूद रहता है ना। तो उनके वजूद पर ही सवाल करा गया, शायद पता नहीं क्या सवाल है क्या सवाल है, वो इस वीडियो को देख के पता चलेगा, पर काफी अच्छा सा वीडियो होने वाला है, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छा लगे। तो शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ, और यार अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपको ऐसे रिएक्शन वीडियो मिलते रहे तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और गाइज आपके जो भी विचार हैं, आप लोग कैसा लगा है वीडियो, या कुछ और हम अच्छा कर सकते हैं तो प्लीज कमेंट करके बताएं, या हमारे रिएक्शन कैसे लगते हैं आप वो भी बता सकते हैं। तो आज के रिएक्शन हम स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स प्ले। अपने धर्म में मरना अच्छा है दूसरे धर्म का विचार करने से। और हम तो ये भी बोले तो बुरा मत मानिएगा, हम लोग भाग्यशाली हैं, औरों को तो एक ही देवता है, अगर वो नाराज हो जाए तो दूसरे रिस्पॉन्सिबिलिटी देवे वारो लो नहीं बचाता। अच्छा एक ही देवता मतलब अल्लाह के लिए बोला जा रहा है, एक ही देवता है हमारे तो में हिंदू भी बहुत सारे देवता है, और नकटा हरो बेबी कम पर है तो दो चार और बना लो पर दो। अब अगर मैं इनसे सवाल करूं कि जैसे बहुत सारे लोग भगवानों को भी मान लिए, जबकि भगवान की बीवी भी है, भगवान के बच्चे भी है, और भगवान का बाप भी है, तो फिर अब सवाल आएगा कि भगवान का दादा कौन, भगवान का परदादा कौन, फिर वो नसब चलेगा, कहीं तो जाके रुकना है, कहीं तो जाके रुकेगा। बच्चे हैं तो अब तक उनकी नस्ल क्यों नहीं, भगवान के भी बेटे बेटियां थी ना, बहुत सारे भगवानों का तज़किरा हिंदुस्तान में है, उनके बेटे बेटियां बताई गई हैं, कितने बेटे थे राम के भी कृष्ण के भी सबके भी बताए गए हैं बेटे बेटे, तो अब औलाद कहाँ है, बाप दादा कहाँ थे। मेरे अजीजों मेरी इस बात को यकीनन कोट किया जाएगा, मुझे मालूम है चंद दिनों पहले ये कह रहा था, औरंगजेब की औलाद बर्तन मांज रही है, टीपू सुल्तान की औलाद पंचर लगा रही है, तुझे तो ये टीपू सुल्तान औरंगजेब की औलाद नजर आई, उनकी कहाँ है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनकी कहाँ है। बहरहाल औरंगजेब और टीपू सुल्तान इन तमाम को छोड़ो, इनकी औलाद को तूने बर्तन मांजते या पंचर लगाते तो देखा अल्लाह ने तो तुझे बांझ बना कर रखा है, तेरे से कोई चीज़ नहीं आ सकती सिवाय गोबर और गलाजत के, कोई चीज़ नहीं आ सकती। मेरे अजीजों मैं यहाँ अर्ज ये कर रहा हूँ दौर और तसलसल, कि अगर इस तरह किसी का बाप है तो फिर दादा भी होगा, दादा है तो परदादा भी होगा, ये चलता रहेगा सिलसिला। ये इस्लाम ये है जिसने कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, लम यलिद ना वो किसी से पैदा हुआ है, वलम यूलद ना उससे कोई पैदा होगा, उससे कोई लम यलिद उससे कोई पैदा नहीं हुआ और ना वो किसी से पैदा हुआ, यहां खत्म हो गई बात। अब ना मेरे खुदा का कोई बाप है, ना बेटा है, ना भाई है, ना बहन है, कहीं ये तसव्वुर आएगा ही नहीं। तुम हमसे ये सवाल नहीं कर सकते कि अल्लाह के आबाओ अजदाद कहाँ है, औलाद कहाँ है, हमने खुदा को माना ही ऐसे है कि वो जिस्मो जिस्मानियत से भी पाक है, रिश्तेदारी से पाक है, कोई ना उसका हमता है, एक ही सबकी सुनता है। ये अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा यकीन यही है। अजीज़ा निगरामी औकात दौर और तसलसल का जो कानून है मैंने यही बताया कि बाज़ लोग इस चीज़ के ज़रिए से भी चाहें तो हिदायत हासिल कर सकते हैं कि कहीं तो जाके हमें फुल स्टॉप होना पड़ेगा, कोई तो है जो एंड है, उसको कोई पैदा करने वाला ना हो, जा कर के तुम्हें ख़त्म होना पड़ेगा एक न एक जगह,
कि कोई तो है जो लास्ट है, उसको कोई ना पैदा किया हो। अगर उसको भी कोई पैदा किया है तो फिर यह भी बात आएगी उसको भी कोई पैदा किया होगा। तो हमें एक ऐसी जात माननी पड़ेगी जिसको कोई ना पैदा किया हो, तभी जाकर के हम ये कहते हैं वो जो जात तुम जाकर एंड होगे उसी का नाम अल्लाह रब्बुल इज्जत है, जिसको किसी ने पैदा नहीं किया। ये इस्लाम का बेहतरीन अकीदा है मेरे अजीजों। तौहीद किसे कहते हैं? अब बात आती है, वजूद की बात हो गई, अल्लाह है इतना तो मानना पड़ेगा, उसके लिए तो बहुत सारी दलीलें बच्चे भी पकड़ करके बता देंगे। एक खातून, हमने बचपन में पढ़ा था, एक बूढ़ी औरत चरखा सिल रही थी, उससे जाकर किसी ने पूछा कि अल्लाह है कि नहीं है, तो उसने कहा है। क्या दलील है? कहा ये मेरा चरखा जो सिल रहा हूँ इसी, यही दलील है अल्लाह की। कहा कि कैसे? कहा ये चरखा, इससे कपड़े सिलती हूँ, जब तक मैं चलाती नहीं ये सिलता नहीं, मशीन सिलती नहीं है कपड़े, इसी से मैंने ये यकीन कर लिया कि मेरा चरखा मेरे चलाए बगैर नहीं चलता, तो निजामे कायनात पूरा बगैर चलाए कैसे चलेगा? कोई तो है, बहुत नाइस। ये हो गई बात वजूद की, कोई तो है। अब आती है तौहीद की बात, कोई तो है। अब हमें ये बताना है एक ही है, कोई तो है लेकिन वो जो है वो एक ही है। यहां पर भी हमें इस्लाम ने जो फलसफा दिया है, कानून दिया, वो बहुत ही प्यारा है। उसकी वजह क्या है मेरे अजीजों? चलो अब हम तौहीद की तरफ आते हैं। तौहीद कहते हैं एक मानना, एक मानना। हकीकत में देखा जाए तो दुनिया के अक्सर मजाहिब में तौहीद का शुरू में दर्स रहा। ईसाइयत जो आई इनमें भी था, बाद में ये तसलीस के कायल हो गए। यहूदियों में भी अल्लाह को ही मानते, खुदा को ही मानना है। हिंदुओं में भी एक का होने का तसव्वुर किताबों में उनके मौजूद है, और बात है कि उन्होंने मिला दिया, मसाले लगा दिए, अलग अलग हो गए। खालिस जो अपने दीन पर बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह वो इस्लाम है। आज भी अल्लाह रब्बुल इज्जत है और वो एक है, एक है। इस पर क्या दलील है? इस पर भी दलीलें देनी होंगी मुसलमानों। अकली दलीलें भी हैं, नकली दलीलें भी हैं। नकली दलीलें हमारे लिए, नकली का मतलब हुआ किसी जगह से साबित है, कुरान से हदीस से ये साबित है, तो ये नकली दलील। अकली जो अकल भी जिसको तस्लीम करे, अकल जिसको एक्सेप्ट करे, वो क्या है? उस बूढ़ी औरत का ही मैं बता दूं जिसने चरखा सिला, और चरखे को चलाने में उसने कहा कि अल्लाह है, कोई तो है, क्योंकि मेरी मशीन बगैर चलाए नहीं चलती। तो उससे साहब ने, जिसने सवाल किया, पूछा कि अच्छा है तो क्या वो एक है कि दो है? कहा नहीं एक ही है। कहा वो कैसे? कहा दो हो तो देखो, तुम सामने बैठो, उधर से चलाओ, मैं इधर से चलाती हूँ, फिर कपड़े की क्या दुर्गत बनती है? तुम अपनी तरफ कपड़ा खींच रहे होंगे, मैं अपनी तरफ कपड़ा खींच रही होंगी। इससे मैंने ये यकीन कर लिया मेरे कपड़े को सिलने के लिए मेरे चरखे पर एक ही का होना ज़रूरी है। दो बैठेंगे तो कपड़ा फिर पैजामे की बजाय कुर्ता हो सकता है, कुर्ते की बजाय भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी सिल जाता है। तो दो लोग एक मशीन को सिलने जाएं तो निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है। तो एक पूरे कायनात का निज़ाम अगर दो लोग चलाने लगें तो एक दिन एक कहेगा नहीं मैं आज बारिश बरसाऊंगा, दूसरा कहेगा नहीं मैं आज धूप डालूंगा, तीसरा कहेगा कि नहीं मैं आज छाऊं ठंडी पैदा करूंगा। तो ये तो उन्हीं के दरमियान झगड़ा होता रहेगा। इसीलिए कुरान ने भी कहा लौ कान फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाहु लफसदत था, अगर इन कायनात में जमीन और आसमानों में खुदा के अलावा दो होते तो जरूर इसमें फसाद होता, जरूर इसमें निजाम दरहम बरहम होता। मेरे अजीजों यहां देख रहे हैं हम बहुत सारे निजामों को, कमेटी का मसला है, मस्जिद का मसला है, बहुत सारे चीज़ें देखें। सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, नायब सदर साहब कुछ और करना चाहते हैं, सेक्रेटरी कुछ और करना चाहते हैं, हुकूमत में जाएं प्राइम मिनिस्टर को और चाहता है, होम मिनिस्टर कुछ और कहता है, उसकी तो बड़ी पता ही नहीं है। लेकिन निज़ाम एक मुल्क का चला रहे हैं, एक मुल्क का चला रहे हैं। फसाद इसीलिए हो रहा है, फसाद इसीलिए होता है, और उनको पता भी नहीं रहता वो भाषण में कुछ और बोल के आए, ये पार्लियामेंट में कुछ और बोल के आया। ये सब हमारी मिसालें जो मैं आपको पेश कर रहा हूँ देख करके समझने के लिए। एक से ज़्यादा जब होते हैं तो अकलों का मिलना ज़रूरी नहीं, हर एक की अकल अलग अलग चल सकती है। अब आइए, कोई कह सकता है नहीं भाई इत्तेहाद से भी तो काम हो सकता है, यूनिटी से भी तो काम होता है, कुछ जगह होता है ना। कोई अगर कहे
कि खुदा एक नहीं दो हैं और दोनों मिल के काम करते हैं, दोनों मिल के काम करते हैं। तो अब मैं आपको कहता हूँ, एक नंबर वाला खुदा वो कहता है आज बारिश बरसाऊंगा, दो नंबर वाला अगर इत्तेहाद करता है और कहता है कि नहीं हाँ तू जो करेगा वही मैं करता हूँ, तो यहाँ पर कानून ये है, तफसीर में फरमाएगा, दूसरा वाला तो आजीज हो गया, वो मुख्तार नहीं है फिर फैसला लेने में। और आजीज जो होता है वो खुदा नहीं होता, खुदा वही होता है जो मालिक व मुख्तार है, जो खुद फैसले लेगा और उसमें किसी को शरीक नहीं करेगा। तो अगर दूसरा वाला मान गया उसकी तो वो खुद आजीज हो गया, उसकी अपनी नहीं चली, दूसरे दिन दूसरा चलाया और पहले वाला राजी हो गया तो पहला आजीज हो गया। तो खुदा आजीज नहीं हो सकता, ये हमारा अकीदा है। खुदा वही है जो कादिर मुतलक है, कादिर मुतलक हर चीज पर, वो खुद फैसले लेता है, खुद ही इख्तियार रखता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम को इतना पाक और साफ रखा गया है। खुदा का जो अकीदा है हमारे यहाँ, अकीदे तौहीद है, वो इंसान के जहन को भी पाक और साफ करता है, इंसान का जहन भी पाक और साफ रहता है। अगर अकीदे तौहीद तुम्हारा हट गया, मेरे अजीज तवज्जो चाहता हूँ, तौहीद अकीदा समझ गए, अल्लाह को एक मानने का अकीदा अगर हट गया तो फिर इंसान इतना जलील होता है कि फिर वो हर चीज को खुदा मानने लग जाता है, चाहे वो चूहा हो कि बिल्ली हो कि सांप हो कि मच्छर हो, किसी के भी सामने झुकने लग जाता है। तौहीद का अकीदा अगर जहन से हट गया, अल्लाह को एक और बड़ा मानने का अकीदा हट गया, तो हमने उन लोगों को भी देखा है जो औरतों की शर्मगाहों को भी इबादत करते हैं, बहुत सारी गलाजतों को भी पूछते हैं। मेरे अजीजों ये कब आती ये चीज, जब अकीदा तौहीद इंसान से हट जाता है तो बहुत ही नीचे गिर जाता है। अल्लाह ताला ने जहनों को पाक रखने के लिए ये हमें कितना बेहतरीन अकीदा दिया है, और वह एक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान उसे आज भी एक ही मानते हैं। कई चीज़ें हैं, मैं ये इल्मे इलाहियात पर आज बात करना चाहता था, पहले वजूद बारी ताला और दूसरे अल्लाह के एक होने पर। एक होने पर सबसे बड़ी दलील ये है, एक से ज़्यादा होंगे तो निज़ाम दरहम बरहम हो सकता है, और अब तक निज़ाम दरहम बरहम नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एक ही चला रहा है, एक ही चला रहा है। सूरज को जिस तरह से उसने सालों से चलाया है, चांद को जिस तरह चलाया है, मौसमों का आना जाना, कुरान खुद ये कहता है, मैंने आयत खुतबे के बाद यही तिलावत की, इन्न फी खल्किस समावाति वल अर्द वख्तिलाफ लैल वन नहार, बेशक जमीनों की पैदाइश में, आसमानों की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में तुम्हारे लिए बहुत बड़ी निशानियां हैं, कि एक ही है, एक ही है जो इसको अपनी मर्जी से बनाया है, अपनी मर्जी से बनाया है। अजीजा ने गिरा में वकार, हिंदुओं में भी एक होने का अकीदा था कि एक खुदा है। बहुत सारी किताबें हैं जिसको मैंने पढ़ा है, जिसमें कहा गया है संस्कृत में कि वो एक ही है, एक ही है। लेकिन हुआ ये कि बाद में उन तालीमात में मिक्सिंग कैसे आई, जैसे हमारे यहाँ फरिश्तों का तसव्वुर है, जिब्राइल हैं, मीकाईल हैं, इसराफील हैं, इसराइल अलैहिस्सलाम जो मलाइका हैं, वो अल्लाह तबारक व ताला ने उन्हें मुख्तलिफ कामों पर लगाया है। मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाते हैं, रोज़ी पहुँचाने के काम में हैं, इसराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालते हैं। तो इन मलाइका को जिस तरह से हमारे यहाँ तसव्वुर दिया गया अल्लाह के फरिश्ते, तो उन लोगों ने इन दूसरे कामों को देखकर हर एक चीज़ का अलग अलग खुदा बना लिया। हवाओं का खुदा अलग, बारिश का खुदा अलग, आग का खुदा अलग, पानी का खुदा अलग। यहाँ पर धोखा खा गए, वो खुदा नहीं है, वो खुदा के फरिश्ते। तो गाइज ये वीडियो था, आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, तो जरूर बताएं कमेंट करके कि आपके क्या विचार थे इसके वीडियो के। आप बात कर लेते हैं अल्लाह के वजूद की, टॉपिक का नाम क्या था, अल्लाह के वजूद पर सवाल है ना, तो सही बात है। तो इन्होंने क्लियर कर दिया कि तो अल्लाह के वजूद पर इतना सवाल बना के रखा हुआ है जो कि बेबुनियाद बातें हैं। एक खुदा है, एक शक्ति है जो कि ऊपर से आ रही है, मतलब ये सीधा सीधा सा आंसर था। तो बस यही था आज की वीडियो में, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बताएं गाइस। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, और आप चाहते हैं आपके ऐसे रिएक्शन वीडियोस मिलते रहें तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट और किसी रिएक्शन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, सी यू गाइस, टेक केयर गाइस।